नमस्कार, मैं स्वाति, एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आंधी तूफान से गिरा 10 को पुराना आम का पेड़ धराशाही। शुक्रवार की शाम लगभग 5:30 और 6 बजे के बीच चली तेज आंधी तूफान से लांजी मुख्यालय स्थित लांजी साले टेकरी रोड पर पटवारी ऑफिस के सामने स्थित 10 को पुराना बड़ा आम का पेड़ धराशाही हो गया, जिसके कारण पेड़ का एक हिस्सा पटवारी ऑफिस के बाजू में बने चाय की टपरी पर जा गिरा और दूसरा हिस्सा पटवारी ऑफिस के छत पर जा गिरा, जिससे बड़ी दुर्घटना होते होते बची। पटवारी कार्यालय के सामने आरआई साहब की गाड़ी खड़ी थी, जो वह भी सुरक्षित निकाल ली गई है, और पेड़ से लगकर जा रही विद्युत लाइन भी इसकी चपेट में आ गई और पूरे क्षेत्र की विद्युत सप्लाई अवरुद्ध हो गई है। वहीं उक्त पेड़ के नीचे चाय की टपरी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं तूफान के रुकने के बाद स्थानीय लोगों द्वारा पेड़ को काटकर अलग करने में जुट गए थे। समाचार लिखे जाने तक विद्युत आपूर्ति बंद थी, जिसके 2 से 3 घंटे बाद ही चालू होने की संभावना है। क्षेत्र में अन्य स्थान में भी नुकसान की जानकारी। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट।